हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो काफ़ी लोगों को इस चीज़ में मसला हो रहा था कि हमें SDK की सेटिंग या एंड्रॉयड डिवाइस की यूनिटी के साथ कनेक्ट करना नहीं आ रहा, मतलब इसमें काफ़ी मसला हो रहा है। तो मैं आज इस चीज़ की वीडियो बनाऊंगा कि हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन को हम सबसे पहले हम उसमें रिमोटली यूज़ करेंगे, लाइक हम यूनिटी का रिमोट यूज़ करेंगे, और दूसरा हम इसकी सेटिंग करेंगे SDK की सेटिंग यूनिटी में। तो मैंने स्टार्ट में आप सबको यूनिटी इंस्टॉल करना बताया था, उसके बेसिक फीचर्स बताए थे, लेकिन मैंने इसकी सेटिंग्स को नहीं करना बताया था कि जब आप बिल्ड बनाएंगे एंड्रॉयड की तो आपको क्या सेटिंग्स करने पड़ेंगी। मैंने आपको ये वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैं आज इसी के बारे में आपको बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले हमने जाना है गूगल पर, और यहाँ पर हमने सबसे पहले डाउनलोड करना है, हमें यहाँ पर दो चीज़ें डाउनलोड करनी है, एक JDK और एक SDK। तो सबसे पहले JDK डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पर गूगल पे हम सिंपली लिखेंगे JDK, और यहाँ से हम JDK 8 को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर जाना है और यहाँ से इसका लाइसेंस को एक्सेप्ट करना है, और यहाँ पर हमने JDK 8 उसको हमने जो हमारी जो सी विंडो का वर्जन होगा, लाइक हमारी विंडो 64 बिट की है या 32 बिट की है, हमने उसके मुताबिक यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए मैं दोबारा फिर से इसे डाउनलोड नहीं करने वाला, लेकिन मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में इसका। तो अब हम डाउनलोड करते हैं SDK को, और SDK को डाउनलोड हमें कैसे करना है, काफ़ी मसला आता है जब से एंड्रॉयड स्टूडियो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर हमें एंड्रॉयड स्टूडियो के बीच में से उसका SDK सिर्फ लेना पड़ेगा, उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो का ज़रा भी काम नहीं होगा हमारे लिए। तो इससे अच्छा हम ये है कि हम सिर्फ SDK मैनेजर को डाउनलोड करें। तो यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा है SDK मैनेजर फाइल पर, और यहाँ से हम ये SDK मैनेजर डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद हमें इसे अपने PC में इंस्टॉल करना है, और उसके बाद मैं देखता हूँ मेरे पास शायद इंस्टॉल हो ये, तो SDK मैनेजर भी मेरे पास इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। तो इसे यहाँ से ऐसे ओपन कर लेना है, और उसके बाद हमें यहाँ पर हमारा जो भी हमने SDK यूज़ करना चाहते हैं हमें वो अपने SDK मैनेजर के थ्रू इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ से देखिए, आप यहाँ से तो डाउनलोड कर लेंगे सिंपली, और ये डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद हमें यहाँ पर ये SDK मैनेजर इस तरह ओपन हो जाएगा, एंड्रॉयड SDK मैनेजर, और यहाँ पर हमें फिर जौन सा हमने SDK इंस्टॉल करना है, हमने करना क्या, हमें सबसे पहले तो उसका एक हमें यहाँ पर टूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा, लाइक मैंने जौन सा इंस्टॉल करना है, हमें उसका एक टूल लाइक अगर 25 वाला SDK इंस्टॉल करना है तो इस पर मार्क कर देना। उसके बाद हमें यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आने के बाद हमें ये जो SDK हैं हमारे पास, अगर हमारे पास 25 वाला SDK हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमें इस पर क्लिक करना है, और सिर्फ हमें यहाँ पर SDK प्लेटफॉर्म को इंस्टॉल करना है, इसमें बाकी कोई चीज़ों को हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक अगर हम किसी और SDK में जाते हैं तो ये देखिए इसमें काफ़ी चीज़ें आ जा रही हैं, एंड्रॉयड APIs और उसके बाद गूगल APIs, तो सिर्फ हमें SDK प्लेटफॉर्म को इंस्टॉल करना है, एक इसे इंस्टॉल करना है SDK प्लेटफॉर्म को, और एक यहाँ पर उसका बिल्ड प्लेटफॉर्म टूल जो है इसका एंड्रॉयड SDK टूल, ये सिर्फ दो चीज़ें हमें इंस्टॉल करनी है। उसके बाद हमने आ जाना है इंस्टॉल करने के बाद यूनिटी में, और यूनिटी में जाकर हमें इसका पाथ दे देना है JDK का और SDK का। तो हमें यहाँ पर आ जाना है एडिट में, प्रेफरेंसेस में जाकर, उसके बाद एक्सटर्नल टूल्स में हमें यहाँ पर दोनों का पाथ दे देना है। तो यहाँ पर मेरे पास जो JDK का पाथ है मैंने वो JDK का पाथ दे दिया यहाँ से, उसके बाद SDK का पाथ हमें यहाँ से दे देंगे। लेकिन बाज़ूकात ऐसा होता है कि आपको SDK का पाथ नहीं मिलता, तो हमें करना क्या, सिंपली हमें जाना है अपनी ड्राइव में, उसके बाद सी ड्राइव, और यहाँ पर हम जाएंगे यूज़र्स में जाकर हमारा जो यूज़र का नेम होगा, मेरा निकोल है, तो यहाँ पर जाना है। उसके बाद हमारी जो फोल्डर्स हैं, सम फोल्डर्स हिडन होते हैं, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हिडन फोल्डर्स में यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं अगर हिडन आइटम को चेक कर देता हूँ तो यहाँ पर हमें एक चीज़ शो हो रही है जिसका नाम है ऐप डाटा में जाना है। उसके बाद हमें जाना लोकल में जाकर यहाँ पर हमें एक फोल्डर मिलेगा एंड्रॉयड के फोल्डर में हमने जो SDK इंस्टॉल किया होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और सिंपली हमें SDK का पाथ कॉपी करना है यहाँ से। उसके बाद हमें यहाँ पर जाना है एंड्रॉयड SDK में, और यहाँ पर सिंपली इसका पाथ को हमने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो उसके बाद मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो मेरे पास दो पाथ थे, लाइक मैंने 24 यूज़ किया था, उसके बाद मैं 26 यूज़ कर रहा था, तो इसलिए मैं अभी फ़िलहाल मैं 26 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने अभी यहाँ पर यस नहीं किया। तो उसके बाद आपको जब भी आप बिल्ड बनाएंगे तो आपको कोई मसला नहीं आएगा, लाइक हम SDK को इस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड टास्क की तरफ। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले जाना है प्ले स्टोर पर, और वहाँ से हमें डाउनलोड करना है एक यूनिटी रिमोट, और यूनिटी रिमोट डाउनलोड करने के बाद हम उसे ओपन कर देते हैं, और उसके बाद हम चल जाते हैं अपने यूनिटी टूल में।
यहाँ पर हमें करना क्या है कि हमें एडिट में जाना है, उसके बाद हम जाएंगे प्रोजेक्ट सेटिंग में, और प्रोजेक्ट सेटिंग में जाकर हम क्लिक करते हैं एडिटर पे। और जैसे हम एडिटर पे क्लिक करते हैं तो हमें लेफ्ट साइड राइट साइड पे एक चीज़ हमें एक बार सी शो हो रही है, जिसपे हमें काफ़ी कुछ डिटेल्स आई हुई हैं, और उसमें से हमें सबसे नंबर वन पे जो लिखा आ रहा है डिवाइस, और हमें उस डिवाइस पे हमें एंड्रॉयड डिवाइस सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद होगा कुछ नहीं, हमारी गेम एंड्रॉयड के रिमोटली हमारे एंड्रॉयड में हमारी चल पड़ेगी। लेकिन उससे पहले हमें करना क्या है कि अगर हमें यूनिटी रिमोट ऑप यूज़ करना है तो सबसे पहले हमें अपना फ़ोन कनेक्ट करना पड़ेगा अपने डिवाइस के साथ, लाइक हमें लैपटॉप के साथ अपना फ़ोन कनेक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद हम अपना एंड्रॉयड यूनिटी का टूल ओपन कर उसे उसका प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। अगर हम वैसे ही डायरेक्ट कर देंगे तो समटाइम्स ऐसा होता है कि वो रिमोट कनेक्ट नहीं करता, लाइक गेम उसमें रिमोटली रन नहीं करती रन टाइम पे। तो इसलिए हमें यूनिटी को टूल को बंद करके एंड्रॉयड को कनेक्ट करना है अपने लैपटॉप के साथ, और उसके बाद हमें गेम को रन करना है रिमोटली, तो उस तरह गेम वर्क करेगी। तो अब ये देखिए, मैं जैसे ही प्ले का बटन प्रेस करता हूँ तो ये मेरी गेम दोनों साइड्स पे चल रही है। इसी तरह हम आज की वीडियो ख़त्म होती है। तो ठीक है गाइस, इस तरह आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको कोई मसला आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम मेरे फेसबुक पेज पे या मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।